मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में माता अहिल्या की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नेहरू स्टेडियम का मंच शनिवार को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना है। मातृशक्ति के सम्मान और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हजारों साहसी महिलाओं का एक साथ एक स्थान पर सामूहिक तलवारबाजी प्रदर्शन आयोजित किया गया। इंदौर में तलवारबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड शौर्य वीर कार्यक्रम के नाम से आयोजित, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं ने जोश और जुनून के साथ की अद्भुत तलवारबाजी दिखाई। देश में पहली बार हजारों महिलाओं ने एक साथ एक समय और एक ही स्थान पर तलवारबाजी का सामूहिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शनिवार को इंदौर में नारी शक्ति के इस तलवारबाजी के वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम शौर्य वीरा में शामिल हुए। अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी इंदौर द्वारा महिलाओं की आत्मरक्षा के गुर सिखाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश में पहली बार 5000 महिलाओं ने एक साथ एक समय और एक ही स्थान पर तलवारबाजी का सामूहिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस तरह के आयोजन के लिए आयोजक संस्था को 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण की अद्वितीय पहल और अनूठा उदाहरण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इंदौर वह है जिसका न कोई और है न कोई छोर है, जो करता है अद्भुत करता है। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। खास करके ये तलवारबाजी वाला जो आज आपने आयोजन किया है, मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई। ये इंदौर है जिसका और न छोर, वो है इंदौर। इंदौर जो करता है हटके करता है। हमारे लिए गौरवशाली पृष्ठभूमि है, स्वच्छता से लेकर तलवारबाजी तक अपनी धाक और साख बनाते हुए इस प्रकार से आयोजन किया गया है। मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों को बधाई। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और भी इसी प्रकार के कोई और कार्यक्रम में शामिल होंगे। मतलब सरकार की ओर से भी आप सब मित्रों को बधाई और इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को 5 लाख रुपया राज्य शासन के मद से मेरे अपने निधि से सभी बहनों की बेहतरी के लिए इस प्रकार के आयोजनों के प्रोत्साहन के लिए देने की घोषणा करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।